अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स को स्टडी करेंगे जिन्हें आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। फर्दर मोर, अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको किसी नॉवल का पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस करना है, उसके थीम्स फाइंड आउट करने हैं, पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, तब भी ये टर्म्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। So these terms include ambivalence, hegemony, hybridity, creolization, others का concept, subaltern concept, diaspora, colonizer and colonized, imperialism, negritude, double consciousness, mimicry, exoticism, orientalist, occidentalist। सबसे पहले देख लेते हैं colonizer और colonized because this is most common of all। तो जब एक कंट्री, एक टेरिटरी, एक नेशन के लोग जाकर किसी दूसरी टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के लोगों को रूल करते हैं, इसे कहते हैं कॉलोनियलिज़म। जैसे आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश राज इन इंडिया। अब वहाँ पर जब ब्रिटिश ने आके रूल किया, अपनी कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया, तो ये कॉलोनियलिज़म था। अब इसमें हमारे पास दो टर्म्स सामने आती हैं, कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज्ड वो लोग होते हैं जो उस एरिया के नेटिव्स होते हैं, उस टेरिटरी के नेटिव इंडिजिनस पीपल होते हैं जिनके ऊपर आकर कॉलोनाइजर्स रूल करते हैं। सो दीज आर कॉलोनाइज्ड पीपल, जिन्हें कोई आकर रूल करता है। तो जो इंडियन नेटिव थे वो कॉलोनाइज्ड लोग थे, और जो कॉलोनाइजर्स हैं वो, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन लोग हैं जो आकर रूल करते हैं। वो एक डोमिनेट पावर होती है, नेशन होती है, जो कि अपने रूल्स, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने सोशल स्ट्रक्चर, अपना रिलीजन इम्पोज करते हैं वहाँ की कॉलोनाइज्ड पीपल पर। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज़ एम्बिवलेंस। सो दिस टर्म वॉज एडॉप्टेड बाय होमी के भाभा। It describes the complex mix of attraction and repulsion that characterize the relationship between colonizer and colonized। अब colonizer और colonized के दरमियान जो एक relationship है, उसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का एक सेम टाइम पर होना, एग्जिस्ट करना। अगर आप बेशक उसे colonizer के perspective से देखें या colonized के perspective से देखें। For example, अगर हम इसे कॉलोनाइजर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो लोग क्या करते थे, वो वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनके लैंड को यूज़ कर रहे थे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, उनका रॉ मटेरियल चाहिए था उनको। अब ये क्या है कि इन चीज़ों के लिए, उनके लैंड के लिए, उनकी बाकी सारी रिसोर्सेज के लिए उनके अंदर एक अट्रैक्शन थी, उन चीज़ों को वो यूज़ कर रहे थे। एट द सेम टाइम वहाँ के जो लोग थे जिनकी वो चीज़ें थी, उनके लिए उनके अंदर हेट्रेड था, उनके लिए रिपल्शन थी, उनको वो क्या कहते थे, बारबेरिक, ब्रूटर और अनसिविलाइज्ड कहते थे। नेक्स्ट टर्म इज़ हाइब्रिडिटी। दिस इज़ आल्सो रिलेटेड विद होमी के भाभा। इट रेफर्स टू द ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स। क्या होता है कि जब कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड एक लॉन्ग पीरियड तक साथ रहते हैं तो उनकी एक हाइब्रिडिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो क्या होता है कि दोनों के कल्चर्स का मिक्सअप होना। अगर एक पाकिस्तानी या इंडियन नेटिव जाकर यूरोप में सेटल होता है, उनके रिचुअल्स को, उनके ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करता है, ये क्या है, ये एक हाइब्रिडिटी की सिचुएशन है, क्योंकि उसने अपने कल्चर को उनके कल्चर के साथ मिक्स किया। अब वो कुछ चीज़ें अपने कल्चर की फ़ॉलो करेगा और कुछ चीज़ें उनके कल्चर की फ़ॉलो करेगा। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ हाइब्रिडिटी। नेक्स्ट टर्म इज़ हेजमनी। इट वॉज अडॉप्टेड बाई एन इटालियन पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर and his name was Antonio Gramsci। It is the dominance of one group over other। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी एक ग्रुप का, एक क्लास का किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेट होना। मीन्स आप अपने आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को, अपने जो रिचुअल्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनको दूसरों पर इम्पोज कर रहे हो, और उनकी लैंग्वेज को, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, उनके जो नॉर्म्स हैं, उन्हें आप इन्फीरियर कह रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि यू लेजिटिमेट योर ओन नॉर्म्स एंड आइडियाज़। मीन्स आप जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है, आपके लॉस, आपके आइडियाज़, आपके रूल्स बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर एन अदर। इस अदरिंग, इस कॉन्सेप्ट को जनरली गायत्री स्पिवाक से रिलेट किया जाता है। गायत्री स्पिवाक ने पोस्ट कॉलोनियलिज्म में बड़ा काम किया है, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। तो इसका मतलब क्या है, इट्स मीन के वहाँ के नेटिव को, इंडिजिनस पीपल को आप बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दो, उन्हें एक दीवार के साथ लगा दो और एक बाउंड्री सेट कर दो उनके और अपने दरमियान। मीन्स उनको आप कह दो कि आप लोग हमसे इन्फीरियर हो और हम लोग सुपीरियर हैं। मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू सिट विद अस और ईट विद अस एंड यू कांट कम टू आवर प्लेसेस। व्हाट इज़ दिस कि आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो अपने और उनके दरमियान। जो डोमिनेंट क्लास है दे आर सुपीरियर एंड जो नेटिव्स हैं दे आर ट्रीटेड एज अदर्स। उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है बल्कि उन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता था एज अदर्स। नेक्स्ट इज सबाल्टर्न। दिस इज़ ऑल्सो द सेम टर्म रिलेटेड विद अदरिंग। सबाल्टर्न कौन लोग हैं? दिस आर द लीस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में रहने वाले जो लीस्ट पावरफुल लोग हैं, मीन्स जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, दे आर ट्रीटेड एज इन्फीरियर सबमिसिव क्लास, उनके लिए आप सबाल्टर्न के टर्म यूज़ करते हैं। मीन्स उन लोगों को राइट नहीं दिए जाते थे, उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती थी। वाई? बिकॉज दे बिलोंग टू द सबाल्टर्न क्लास ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज़ डायस्पोरा। इट इज़ द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव्स टू अदर लैंड्स। मीन्स आप अपने लैंड से किसी भी और जगह पे जा रहे हो, अपने होमलैंड से, अपनी कंट्री से किसी और जगह पे मूव कर रहे हो, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डायस्पोरा। नेक्स्ट इज क्रियोलाइजेशन। दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू हाइब्रिडिटी। मीन्स जब दो कल्चर मिक्सअप होते हैं, ब्लेंडिंग होती है, तो एक न्यू कल्चर इंट्रोड्यूस होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जब आप किसी न्यू जगह पर सेटल होते हैं तो दो डिफरेंट कल्चर्स का मिक्सअप होकर एक न्यू कल्चर क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रियोलाइजेशन। Next term is Orientalism. This is related to Edward Said. Orientalism is a concept that refers to the way the West has constructed an image of the East. Means के Western जो people थे, जो यहाँ पर आकर Eastern को observe करते थे, उनके साथ रहते थे, उन पर rule करते थे, वो West में क्या image create करते थे इन Eastern people की। तो उन्होंने अपने media में, अपनी books में, अपने journals में, magazines में किस चीज़ को portray किया कि ईस्टर्न्स आर बारबेरिक, दे आर ब्रूटल, दे आर अनसिविलाइज। तो ये जो वेस्टर्न प्रेजेंटेशन है ईस्ट के लोगों के बारे में, दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट टर्म इज़ एग्जॉटिसिज्म। इट इज़ लाइक व्हेन पीपल फ्रॉम वन प्लेस फाइंड समथिंग विच इज़ फ्रॉम अनदर प्लेस रियली इंटरेस्टिंग और डिफरेंट, बिकॉज वो चीज़ पहले उनके पास अवेलेबल नहीं होती या वो अनफेमिलियर होते हैं उससे। लाइक जब कोलोनाइजर्स यहाँ पर आए तो उनको कॉलोनाइज्ड का जो लैंड था उसने बड़ा अट्रैक्ट किया। उनकी ग्रीन फील्ड्स, उनके फॉरेस्ट, एक्जॉटिक एनिमल्स, ट्रॉपिकल आइलैंड्स, इन चीज़ों से वो बड़े ज़्यादा इम्प्रेस होते थे, बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी उनको। तो ये क्या है? एग्जॉटिसिज्म। और अगर हम इसी तरह कॉलोनाइज्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब कॉलोनाइजर्स आए तो कॉलोनाइज भी बड़े अट्रैक्ट होते थे। मैंने आपको पहले स्टार्ट में एम्बिवेलेंस के कॉन्सेप्ट में भी बताया कि एक रिपल्शन और अट्रैक्शन सेम टाइम पर एग्जिस्ट करना। तो कॉलोनाइज जो पीपल थे ये क्या थे? ये बड़े इम्प्रेस होते थे उनके वे ऑफ लिविंग से, उनकी लैंग्वेज से, उनके खाने पीने से, उनकी चीज़ों से, उनके ट्रेडिशन से। जब भी उनको देखते थे ना तो ये भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। ये बड़े इन्फ्लुएंस थे, इम्प्रेस थे उनकी चीज़ों से। सो दिस इज़ एग्जॉटिसिज्म कि जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो क्योंकि वो आप उससे अनफेमिलियर होते हैं तो स्टार्ट में वो आपको बड़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग और अपीलिंग लगती है। नेक्स्ट वन इज़ मिमिक्री। अब दिस इज़ वेरी इजी, आपको नेम से ही पता चल रहा है। मिमिक्री इज़ काइंड लाइक अ कॉपिंग और इमिटेटिंग समथिंग और समवन। अगर इसे हम लोग पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बड़े अट्रैक्ट होते थे कॉलोनाइजर्स के वे ऑफ लिविंग से। तो मिमिक्री इज़ व्हेन पीपल इन कॉलोनाइज्ड प्लेस स्टार्ट टू एक्ट, स्पीक और बिहेव लाइक द पीपल फ्रॉम द कॉलोनाइजिंग कंट्री। अच्छा, इसकी समटाइम्स रीज़न ये होती थी टू गेन पावर और एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। मीन्स उनको ऐसा लगता था कि जब हम इनका क्लोथिंग स्टाइल, उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम्स को अडॉप्ट करेंगे तो टू सम एक्सटेंट हमें भी कुछ एक्सेप्टेंस मिल जाएगी इन लोगों से। नेक्स्ट इज़ डबल कॉन्शियसनेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इट बेसिकली डिस्क्राइब्स योर इंटरनल कन्फ्लिक्ट। एक इंडिविजुअल का जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो क्लैश है, दैट इज़ आइडेंटिफाइड एज डबल कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखना। डबल कॉन्शियसनेस वाज अ स्टेट जिसे जनरली कॉलोनाइज्ड पीपल एक्सपीरियंस करते थे। मीन्स उनकी एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, लेकिन अब उसमें एक और पर्सपेक्टिव शामिल हो गया कॉलोनाइज़र का। मीन्स जैसे वो ख़ुद को अपने कल्चर के हिसाब से ख़ुद को देखते थे और फिर उन्होंने कॉलोनाइज़र की नज़र से ख़ुद को देखना शुरू कर दिया। जैसे कि कॉलोनाइज़र्स उनको क्या समझते थे, इन्फीरियर समझते थे। तो इससे क्या हुआ, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। एक वो आइडेंटिटी जो उनका कल्चर, उनका रिलीजन उनको देता है, और एक वो आइडेंटिटी जो उनको कॉलोनाइज़र दे रहा है। मीन्स यू आर अनसिविलाइज्ड, यू आर इग्नोरेंट, यू आर ब्रूटल, यू आर बारबेरिक, और यू आर बैकवर्ड। एंड इट वॉज क्वाइंड बाय W. E. B. Du Bois। नेक्स्ट इज़ नेग्रिट्यूड। ये बेसिकली एक मूवमेंट थी और ये ब्लैक पीपल ने स्टार्ट की थी। इसे आप ब्लैक पीपल से ही रिलेट कर सकते हैं, ये उन्हीं की मूवमेंट थी। बेसिकली इसका पर्पस क्या था, जब ब्लैक ने देखा कि उन्हें डिनाई किया जा रहा है, उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनके कलर को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, तो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसका बेसिक एसेंस क्या था, लेट्स टेक प्राइड इन बीइंग ब्लैक एंड सेलिब्रेट आवर हेरिटेज। नेग्रिट्यूड वर्ड ही फ्रेंच से निकला है और इसका मीन क्या है, ब्लैकनेस। तो ये लोग क्या करते थे, ये ना अपने कल्चर को, अपने म्यूज़िक को, अपने लिटरेचर को प्रोवोक करते थे। मीन्स इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपना जो कल्चर था, उसे आगे लाने की कोशिश की। So it was basically the significant movement to fight against colonialism and for the empowerment or recognition of black people. Imperialism is when big country or powerful country try to control smaller countries or territories for its own benefit. Means आप अपने benefit के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर रहे हो, उनको influence कर रहे हो। Colonialism पुराने टाइम में होती थी, जब आप जाकर प्रॉपर कॉलोनीज़ बनाते थे किसी इंफीरियर कंट्री में और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। इंपीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म में बेसिक डिफरेंस यही है कि इंपीरियलिज़म में आप डायरेक्ट वहाँ जाकर अपनी कॉलोनीज़ नहीं बनाते, सिर्फ मुदाखलत करते हो, और कॉलोनियलिज़म में आप बाकायदा वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को रूल करते हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्यूटी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।